हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और मैं उठ गई थी 6:15 में। और उठ के सबसे पहले हाथ मुंह धो के मैं भगवान को करती हूँ प्रणाम। प्रणाम करने के बाद मैंने सोफ़ा से सही किया, बेड शीट वगैरह सब सही किया और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। तो सबसे पहले झाड़ू लगता है घर में, उसके बाद मैं चढ़ा दी गैस पे दूध गर्म होने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी लंच में कर्ड राइस, क्योंकि आस्था का बहुत मन है कर्ड राइस खाने का और मैं आज कहीं जा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे और आज संडे को यहाँ पे ना काली पहाड़ी एक जगह है, वहाँ होता है राधा स्वामी जी का सत्संग। तो आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के साथ और मैं और आदित्य जा रहे हैं, आस्था नहीं जा रही है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, मैं वहाँ का थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अंदर वहाँ भी मोबाइल जमा हो जाता है तो बाहर का मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आदित्य तैयार हो चुके हैं और अभी बज रहा 8:30, तो दीदी आने वाली है। तो अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। और नाश्ता तो चाय बिस्किट हो चुका है और आने के बाद मैं बनाऊंगी आज कर्ड राइस बनाऊंगी, क्योंकि आस्था को बहुत पसंद है तो इसीलिए आज बनेगा कर्ड राइस। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो। तो दीदी आ चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब जा रहे हैं हम लोग सत्संग। तो ये सत्संग उधर ही पड़ता है, जिधर मैं एक मंदिर जाती हूँ ना, घाघरबूढ़ी मंदिर, उसी रास्ते में थोड़ा आगे पड़ता है। और इस जगह को कहते हैं काली पहाड़ी। तो जहाँ सत्संग होता है उस जगह को बोलते हैं काली पहाड़ी। तो 20 मिनट लग चुका हमें यहाँ पहुँचने में और हम अंदर आ चुके हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सुंदर है अंदर देखने में। तो अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मोबाइल हम लोगों का जमा हो जाएगा। तो एक घंटा का सत्संग होने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ सत्संग में ही मिल रहा है नाश्ते में रोटी और चना दाल का तड़का, और बिल्कुल सिंपल था लेकिन इतना टेस्टी लगा ना ये रोटी और चना दाल का तड़का कि मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी था। और ये देखिए सत्संग के अंदर बहुत सुंदर है, चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये आसनसोल के काली पहाड़ी एक जगह है, वहाँ पे ही ये सत्संग होता है, यहीं पे ये सत्संग का स्थान बना हुआ है। तो आप लोगों को भी अगर सत्संग सुनना हो तो आप लोग यहाँ काली पहाड़ी आके यहाँ पे सुन सकते हैं। हर संडे को होता है, हर संडे यहाँ सत्संग होता है। तो घर में पहुँच चुकी हूँ और थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं लंच में बना रही हूँ कर्ड राइस। और यहाँ देखिए ऑगी भी आ चुका है हमारे साथ। ऑगी क्या कर रहा, क्या? तो ऑगी के लिए बनेगा अभी मछली और अभी बच चुका है 2:30 और हमारा कर्ड राइस तैयार हो चुका है और हम भी खा रहे हैं अब कर्ड राइस। हम लोग भी लंच कर रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे लंच करने के बाद। आज पहली बार आस्था जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ अकेले मॉल घूमने, क्योंकि आस्था का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।